दिल्ली में आप विधायक अलका लांबा का हाई वोल्टेज ड्रामा। चांदनी चौक में लगी आग के बाद पहुंची अलका स्पेशल क्रेन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़ी। आग बुझाने में देरी से नाराज लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कपड़े की दुकान में लगी थी जबरदस्त आग। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बुराड़ी मर्डर केस में दो नरकंकाल बरामद। प्रॉपर्टी डीलर ने बीएसपी नेता सहित 6 लोगों की हत्या की बात कबूली। आज मेरठ में होगी बाकी शवों की तलाश। 6 एकड़ जमीन के लिए वारदात। अब तक 4 गिरफ्तार। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरान जबरदस्त बम विस्फोट। 20 लोगों के मारे जाने की खबर। 50 लोग घायल। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। आप नेता संजय सिंह के पिया अजीत त्यागी पर छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। आम आदमी पार्टी की महिला वर्कर ने ही लगाया आरोप। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा खुलासा। जैन की कंपनी अकिंचन डेवलपर्स ने हवाले से कमाए 16,54,00,000 इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत किया खुलासा। केजरीवाल के रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल के घर एसीबी की रेड। लैंड डील मामले में जब्त किए जरूरी दस्तावेज। 3 एफआईआर दर्ज। कपिल मिश्रा ने लगाए हैं घोटाले के आरोप। कपिल मिश्रा आज टैंकर घोटाले में एसीपी को सौंपेंगे सबूत। केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार पर खुलासे का किया दावा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में आज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के एनुअल समिट का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री जेटली भी रहेंगे मौजूद। दलित समुदाय के लोगों से मिलने आज सहारनपुर जाएंगी मायावती। जातीय हिंसा के बाद से दलितों के जलाए गए थे घर। भीम आर्मी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर किया था विशाल प्रदर्शन। मन की बात के बाद अब जन की बात की तैयारी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीएम लेंगे जनता की राय। साथ है विश्वास है हो रहा विकास है का दिया नारा। 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया नया हलफनामा। 3 तलाक को माना शरीयत के खिलाफ। एक बार में 3 तलाक से बचने की जारी करेंगे एडवाइजरी। आईएएस अनुराग तिवारी मामले की जांच करेगी सीबीआई। कर्नाटक काडर के अनुराग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अनुराग के परिवार वालों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी मुलाकात। परेश रावल के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का अरुंधति रॉय पर निशाना। अरुंधति को बताया नक्सली। कहा कश्मीरी लड़के पैसे लेकर उन पर मारेंगे पत्थर। शत्रुघ्न सिन्हा और सुशील मोदी के बीच ट्विटर वॉर। शत्रुघ्न ने लालू और केजरीवाल के नाम पर कीचड़ उछालने का लगाया आरोप। सुशील ने लिखा गद्दारों को जल्द बाहर करो। पत्थरबाज को बॉनेट से बांधने वाले सेना के अफसर को सम्मान। मेजर नितिन गोगोई सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। गोगोई ने पत्थरबाज को बॉनेट से बांधकर पोलिंग पार्टी की बचाई थी जान। इंदौर में धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला। 11 बच्चों को पुलिस ने छोड़ाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में होना था धर्म परिवर्तन। मैनपुरी में भी दलितों पर दबंगों का कहर। खेत में काम न करने पर पिटाई के बाद घर में लगाई आग। कहा आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो करेंगे पलायन। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय शेख नबी अहमद का सिमी से हो सकता है संबंध। एटीएस ने जताया शक। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में कत्ल की कोशिश सीसीटीवी में कैद। निजी विवाद में चाकू से किया हमला। अस्पताल में घायल शख्स की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली तस्वीर। मजदूरी मांगने पर शख्स को गोदाम की नींव में जिंदा दफनाया। आरोपी ठेकेदार और मुनीम फरार। इंदौर में लड़की का चाकू से कूदकर हत्या। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश। पड़ोसियों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एवरेस्ट फतह के बाद से लापता भारतीय पर्वतारोही रवि कुमार की मौत। परिवार का रो रोकर बुरा हाल। परिवार ने भारत नेपाल सरकार से की रवि को तलाश करने की अपील। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। 4 धाम यात्रियों के लिए अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई लोग बेघर। पहली तेजस एक्सप्रेस मुंबई से पहुंची गोवा। 200 किलोमीटर की रफ्तार से 8 घंटे में सफर पूरा। सुविधाओं से यात्री दिखे खुश।